सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में लाइन पेपर कैसे बनाते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अगर हमें गूगल डॉक्स में लाइन पेपर बनाना है तो उसके लिए हमको जाना है यहाँ ऊपर के रिबन में फॉर्मेट टैब पे। ये रहा फॉर्मेट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हमें दूसरे वाले ऑप्शन पर जाना है, यानी कि पैराग्राफ एंड स्टाइल में। ठीक है, तो जब इस यहाँ पर अपना हम कर्सर ले जा रहे हैं तो देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बॉर्डर एंड शेडिंग का। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो बॉर्डर एंड शेडिंग का पेज ओपन हो गया। अब देखिएगा हमें ध्यान से यहाँ क्या करना है। सबसे पहले इन ये जो पांच ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन पांचों को आप सेलेक्ट कर लीजिए वन बाई वन। ठीक, ये पांच सेलेक्ट हो गए। उसके बाद बॉर्डर विड्थ जो है वो यहाँ 1 PT है, आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए मैं 2.25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर डैश है, मतलब अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं लाइन वाला ले लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी कलर पसंद कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ। और अब देखिएगा ये पैराग्राफ पैडिंग जो है इसको मैं 6 ले लेता हूँ, मतलब सबसे ज्यादा 6 PT है, इसको मैं 6 PT कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे पे अप्लाई बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक सिंगल यहाँ पर बॉर्डर बन करके आ गया। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल इंटर प्रेस करते जाना है। ये देखिए इंटर प्रेस करते जाना है और ये पूरे पेज पर देखिए नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए और आपका लाइन पेपर तैयार हो गया। आप कंट्रोल पी से आप प्रिंटर ओपन करके इसका प्रिंट ले सकते हैं और हमारा लाइन पेपर तैयार हो गया। ठीक है।